नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डायनामिक सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, पार्ट वन में आपने सीखा कि टाइम एंड वर्क में कौन कौन से फॉर्मूले लगते हैं, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को हल करने के कितने तरीके होते हैं। मैंने आपको टाइम एंड वर्क के पार्ट वन में बहुत अच्छी तरह से बताया है, ठीक है। यदि कोई विद्यार्थी पार्ट वन नहीं देखे हैं तो उनसे आग्रह है कि वे ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर मैंने पार्ट वन में बिल्कुल बेसिक से बात बताई है, ठीक है ना। यदि आपको बेसिक पता नहीं रहेगा तो आगे दिक्कत होगा, तो उससे पहले आप उसको देख लें तो ही आगे बढ़ें, तो आपको फ़ायदा होगा, आपको ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने बोर्ड पर, ए एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि बी उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी उस काम को एक साथ करे तो उसे कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। तो यही प्रश्न है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था पार्ट वन में कि टाइम एंड वर्क के प्रश्नों को करने का 2 तरीका होता है, एक तो प्रतिशत विधि, दूसरा एलसीएम विधि। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रतिशत विधि या एलसीएम विधि का उपयोग करेंगे। जहां हमको प्रतिशत का वैल्यू एग्जैक्ट तुरंत पता हो जाए वहां प्रतिशत वैल्यू लगाएंगे, नहीं तो एलसीएम विधि लगाएंगे। जैसे कि 8 दिनों में पूरा कर सकता है एक काम को, अब क्षमता कितना होगा, 1/8, 1/8 का प्रतिशत में मान होता है भिन्न में, मतलब दशमलव में, तो पूरा पूरा नहीं आएगा, तो हमको अप्रोक्सीमेशन एक कॉन्सेप्ट होता है, उसका सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उस कॉन्सेप्ट को, यानी अप्रोक्सीमेशन जो कॉन्सेप्ट होता है, उसका उपयोग यदि ऑप्शन नज़दीक नज़दीक रहता है तो हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि सभी ऑप्शन बहुत नज़दीक नज़दीक है, इसलिए अप्रोक्सीमेशन का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एलसीएम मेथड से इसमें करेंगे। तो ए 8 दिन में पूरा करता है जबकि बी उसी काम को 6 दिन में पूरा करता है। एलसीएम मेथड में हम आपको बताए थे कि समय का एलसीएम निकालेंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा, ठीक है ना। तो 8 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 24 आएगा, टोटल वर्क 24 है, ठीक है। चलिए देखिए क्या है कि ए कर रहा है 8 दिन में, ए कर रहा है 8 दिन में, बी कर रहा है 6 दिन में। अब बोलता है कि दोनों मिल करके कितना दिन में करेगा, तो इसको एलसीएम मेथड से बनाते हैं। एलसीएम मेथड में हम आपको बताए थे कि जो भी समय दिया रहता है उसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो ए 6 दिन में करता है, 8 दिन में करता है, अब बी 6 दिन में करता है, तो दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो 24 आएगा, ठीक है। ये टाइम है, ये टोटल वर्क निकल गया, 8 से 24 में भाग देंगे तो क्षमता निकलेगा, तो 8 से 24 में भाग देंगे तो ए का क्षमता निकलेगा, तो 3 हो गया ए का क्षमता, और 6 से 24 में भाग देंगे तो 4 आएगा जो कि बी का क्षमता होगा, ठीक है ना। बोला ए और बी दोनों मिलकर के कितने दिनों में काम करेगा, तो ए और बी दोनों मिलकर के कितने दिन में काम करेगा हमको समय पता करना है। तो समय ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला बताए थे कि याद रखना है कि अगर टोटल कार्य में हम क्षमता से भाग दे देते हैं तो समय निकलता है, ठीक ना। तो टोटल काम तो है 24, और ए और बी मिलकर के कितना समय में काम करेगा, तो ए और बी का क्षमता से भाग देना होगा, तो ए और बी का टोटल क्षमता कितना है, 7, ठीक ना। तो इसको हम पूर्णांक में बदलेंगे, 7 * 21, अब बच गया कितना, अरे 24 है, ठीक है ना। तो इसको पूर्णांक में बदलेंगे तो 3 * 3/7 आएगा, यही हो गया मेरा उत्तर, ठीक है। तो ऑप्शन में देख रहे हैं कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब चलिए इसमें हम स्मार्ट, ये तो बनाने का तरीका आपको बता दिए, ये खुद ही अपने आप में स्मार्ट तरीका है, ठीक है। लेकिन आप इससे भी फास्ट करना चाहते हैं और अपना दिमाग को चलाना सीखना चाहते हैं,
देखिए हम इतना नहीं हो करके इतना जो काम किए हैं इतना नहीं भी करते हैं तो उत्तर हम जो है ना कैसे ला सकते थे तुरंत। देखिए 8 दिन में कर रहा है एक काम, 6 दिन में बी काम कर रहा है। एलसीएम मेथड से हमको पता चल गया कि टोटल काम होगा 24। अब ऑप्शन में देखेंगे कि टोटल और जो 24, देखिए 24 जो होगा ऊपर में लिखाएगा और नीचे में जो लिखाएगा क्षमता लिखाएगा, ठीक ना। तो हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि ऊपर में 24 पूरता है। पहला ऑप्शन देखते हैं 7 या 21 3 24 ऊपर में 24 पूर रहा है, ये हो सकता है। अभी ऑप्शन चेक कर रहे हैं, ठीक ना। मान लीजिए हम नहीं बनाए हैं, ऑप्शन से देख रहे हैं, केवल हमको इतना पता चला कि टोटल काम जो होगा वो 24 होगा। और हमको समय निकालना है तो काम बटे क्षमता करेंगे, यानी ऊपर में जो होगा वो काम होगा और नीचे में जो होगा वो क्षमता होगा, ठीक है। तो हम पहला ऑप्शन देखें 7 या 21 3 24, तो ये हो सकता है। बी नंबर चेक कर लेते हैं, 7 चौक 28 28 3 31, ये तो नहीं होगा। 3 दुनी 6 1 7 3 दुनी 6 1 7, ये नहीं होगा। 4 दुनी 8 1 9, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए होगा, ठीक है। 4 को ऑप्शन कट गया, ऑप्शन ए होगा। बोला इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो बहुत कम ऐसा चांस होता है कि एक ऑप्शन पुर जाए फिर भी आंसर चला जाए इनमें से कोई नहीं। यदि आपको डाउट है तो तुरंत आप कर लीजिए इस तरीका से, ठीक है ना। नहीं तो ऑप्शन से इस तरीका से आप कर सकते थे। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। ए एक काम को 5 दिन में ख़त्म कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिन में ख़त्म कर सकता है, दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो चलिए बोला कि ए जो है ए 5 दिन में कर सकता है और बी 10 दिन में कर सकता है, ठीक है ना। अब दोनों का हम एलसीएम निकालें, टाइम का दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 10 आएगा, 5 से भाग देंगे तो क्षमता, मतलब समय से काम में भाग देंगे तो क्षमता निकलेगा। 5 से भाग देंगे 10 में तो 2 आएगा, 2 हुआ ए का क्षमता, और 10 से 10 में भाग देंगे तो 1 होगा, ये हुआ किसका क्षमता, ये बी का क्षमता। बोला दोनों मिल करके कितना दिन में काम करेगा, ठीक ना। दोनों मिल करके कितना दिन में काम करेगा, यानी कि ए प्लस बी दोनों मिल करके कितना दिन में काम करेगा। तो टोटल काम तो 10 है, समय पूछ रहा है तो काम बटे क्षमता, और दोनों मिल करके कितना दिन में, यानी ये दोनों मिल करके कितना समय लेगा, समय पूछ रहा है तो काम बटे क्षमता। तो दोनों का क्षमता से भाग देंगे तो दोनों का क्षमता कितना हो गया, 3। इसको बदलेंगे पूर्णांक में, 3 पूर्णांक 1/3। पहला नंबर जो क्वेश्चन आपको बताएं उसमें जिस प्रकार से हम किए उस प्रकार से इसमें भी आप चेक कर सकते थे। केवल 5 और 10 का एलसीएम लेते तो हमको पता चल गया कि 10 कम है। अब ऑप्शन में चेक कर लेंगे कि 10 किस में पुरता है ऊपर में। तो ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन है पहला 5 दिन, ये तो नहीं 10 पुर रहा है ऊपर में, ठीक है ना। तो 3 3 9 1 10 ऊपर में हो रहा है, 3 दिन 6 दिन, ठीक। यदि आपको ऑप्शन से नहीं करना है तो इस तरीका से कीजिए, ठीक है। अगर इसमें आप परसेंटेज मेथड से करते हैं तो ए 5 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना प्रतिशत करेगा काम, 20%। बी 10 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना प्रतिशत काम करेगा, 10%। और दोनों मिल करके 1 दिन में 30% काम करेगा, 100% काम करने में कितना दिन लगेगा, तो लगभग 3 दिन लगेगा, ठीक ना। एक दिन में दोनों मिल करके 30% काम करता है और परसेंटेज मेथड से हम कर रहे हैं तो टोटल काम 100 होता है, तो 100 काम को होने में कितना दिन लगेगा। तो 30 या 90, तो 90 पूरा, 3 बार में तो 90 पूरा है, 10 काम और बच गया है तो 3 से ज़्यादा होगा, ठीक ना। 3 से ज़्यादा एक एक ऑप्शन में है, 3 से ज़्यादा। कहिएगा कि 5 और 6 भी तो 3 से ज़्यादा है, लेकिन अगर 3 से ज़्यादा करते हैं 4, तो 1 दिन में 30% काम करता है तो 4 दिन में 120 काम कर देगा, 120% काम कर देगा, वो तो ज़्यादा हो गया, ठीक ना। परसेंटेज मेथड में काम को हम क्या मानने के लिए बोले हैं, 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता है परसेंटेज मेथड में काम,
देख रहे हैं कि एक दिन में 30% कम करता है, तो 3 दिन में 90% कम कर दिया, तो 10% और बचले हैं, और ज़्यादा दिन लेगा, ठीक है ना। तो 3 दिन से कुछ ज़्यादा समय लेगा, 3 दिन से कुछ ज़्यादा, तो 2 ऑप्शन 2 सही है, ठीक है, समझ में आ जाए ना। तो आपको जिस तरीका से करना है करिए, आप खुद फैसला कीजिए आपको किस तरीका से करना है। और हम जब पूरा आपको बताएंगे, तो यदि आप पूरा सीरीज देखते हैं तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको पता लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में हमको किस तरीका का प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड पर आपके सामने है। एक्स तथा वाई एक काम को 8 घंटे में कर सकते हैं। यदि एक्स अकेला 12 घंटे में कर सकता है तो वाई अकेला उसे कितना दिन में कर सकेगा, ठीक है। देखिए एक्स प्लस वाई है वो 8 घंटा में करता है, ठीक है ना। और जो अकेला एक्स है, अकेला एक्स 12 घंटा में कर सकता है। अब दोनों का हम जब एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, इधर कर देते हैं एकदम से। एक्स प्लस वाई ये टाइम लेता है 8 घंटा, एक्स अकेला लेता है 12 घंटा, दोनों का एलसीएम लेंगे हम तो आएगा 24। ये 24 हो गया क्या, टोटल वर्क यानी TW, टोटल वर्क। समय से हम टोटल काम में भाग देते हैं तो निकलता है क्षमता, 8 से भाग देंगे तो 3 निकला क्षमता, एक्स और वाई का दोनों का मिला करके 3 क्षमता है। 12 से भाग देंगे 24 में तो 2 निकला क्षमता केवल एक्स का, ठीक है ना। अब देखिए पूछा क्या है, वाई अकेला उसे कितने दिन में कर सकेगा, वाई उसे कितने दिन में कर सकेगा, तो वाई कितना समय लेगा यही पूछ रहा है, ठीक है ना। तो टोटल काम तो वाई करेगा 24 करेगा वाई काम। अब 24 का क्षमता कितना है, देखिए अब 24 का क्षमता से भाग देंगे तो समय निकलेगा, वाई के क्षमता से 24 में भाग देंगे तो वाई कितना समय लेगा ये हमको पता चलेगा। तो वाई का क्षमता तो दिया नहीं है, निकालना होगा। देखिए एक्स और वाई दोनों मिल करके क्षमता है कितना, 3, उसमें एक्स का क्षमता कितना है, 2, तो वाई का क्षमता कितना होगा, 1 होगा, समझ में आ रहा। वाई का क्षमता हो जाएगा 1। ऐसे समझिए कि एक्स और वाई एक काम को मतलब 3 एक दिन में 3 काम करता है, एक्स और वाई 3 काम करता है एक दिन में, और जिसमें कि एक्स अकेले 2 काम कर देता है एक दिन में, तो वाई एक काम करता होगा एक दिन में, ठीक ना। तो और पूछा है वाई का समय, तो टोटल काम तो वाई को 24 करना है और इसका क्षमता है 1, तो आंसर हो जाएगा 24। तो 24 दिन है इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीका से एलसीएम मेथड से हम कर लिए, ठीक है ना, इस तरीका से कर सकते हैं। और यदि आप परसेंटेज मेथड से कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, परसेंटेज मेथड में आपको प्रतिशत मालूम होना चाहिए, ठीक। पहला बात तो आपको मालूम होना चाहिए, जो हम भिन्न में लिखाए थे पहला क्लास पहला पार्ट देख लीजिएगा, हम लिखाए थे वो मालूम होना चाहिए आपको। दूसरा बात, एक आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए अप्रोक्सीमेशन का, ठीक है ना, उसका उपयोग करके हम इजीली उत्तर को लाएंगे। जैसे कि देखिए एक्स और वाई एक काम को 8 घंटा में कर सकता है, तो दोनों एक दिन में कितना प्रतिशत कम करेगा, तो 1/8 का भिन्न प्रतिशत में मान कितना होता है, 12 point कुछ something, ठीक ना, यानी कि लगभग 12% काम करता है दोनों मिल करके। हम लगभग में चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट लगाएंगे लगभग, एग्जैक्टली नहीं। अब देखिए एक्स अकेला 12 घंटा में काम कर सकता है, तो एक्स अकेला 12 घंटा में काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, कितना प्रतिशत काम करेगा, तो 1/12% में मान कितना होता है, 8, ठीक है ना, लगभग 8 होता है, 8 से 8.33 होता है, तो लगभग 8 मानिए, और उधर था 12, ठीक ना। एक्स प्लस वाई का 12% मान लीजिए, 12% से कुछ है ज़्यादा, लेकिन लगभग में हम 12 मानेंगे, ठीक है ना। करके हम दिखाते हैं, मतलब तो आप करके दिखाएंगे तो आप ज़्यादा समझिएगा, ठीक ना। तो परसेंटेज मेथड से इसको कर रहे हैं, तो बोला एक्स प्लस वाई 8 दिन में करता है,
तो 8 दिन में करता है तो इसका प्रतिशत में वैल्यू कितना होता है 12.25%। इसको लगभग हम 12 लेंगे। एक्स बोला, एक्स जो है ना 12 घंटों में करता है, घंटों में समय दिया है, 12 घंटों में करता है, तो 12 घंटा में कितना प्रतिशत होता है 8.33% होता है, ठीक है। तो इसको हम लगभग 8 मानेंगे। देखिए दोनों मिलकर के 12% करता है लगभग, इसको मान लिए 12% कम करता है दोनों मिलकर के एक दिन में, जिसमें कि ए अकेले 8% कम कर देता है एक दिन में, तो वाई कितना प्रतिशत कम करता होगा एक दिन में, तो वाई करता होगा लगभग 4%, ठीक ना। तो अब ऑप्शन जो दिया है चेक कीजिए कि एक दिन में 4% कम करता है, तो 100% कम करने में उसको कितना दिन लगेगा, तो 24 चौके 96, मतलब कि 24 उत्तर होगा इसका। अगर 16 लेंगे तो 16 चौके 48 होगा, 16 चौके 64 होगा, सॉरी 16 चौके 64, 100 नहीं पूर रहा, 12 लेंगे 12 चौके 48 होगा, नहीं पूर रहा, 8 घंटा लेंगे 8 चौके 32 से कम पूर रहा, इनमें से कोई नहीं है, एगो है दिया है कि 24 घंटा, तो 24 चौके 96 लगभग 100 के नज़दीक है, तो 24 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो तरीका पसंद आए आप अपना सकते हैं, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चार है आपके सामने में। सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है तथा दीपक के साथ मिलकर वह काम को 6 दिनों में पूरा करता है, कितने दिनों में दीपक अकेला उस काम को करता है। देखिए सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है, प्रतिदिन एक दिन में 1/10 काम करता है, जिनका क्षमते दे दिया है, 1/10 का कितना प्रतिशत मान होता है 10%, यानी एक दिन में 10% काम करता है, ठीक। दीपक के साथ मिलकर 6 दिन में करता है, यानी सोहन और दीपक मिलकर के काम को 6 दिन में करता है, तो 6 दिन में करता है तो परसेंटेज में मान कितना होता है 16.00 उसको 16 मान लीजिए, ठीक। तो दीपक का अकेला पूछ रहा है, तो दीपक एक दिन में कितना प्रतिशत कम करता है वो निकालेंगे, जान जाएंगे। सोहन 10% कम करता है, दोनों मिलकर के 16% कम करता है एक दिन में, तो दीपक एक दिन में 6% कम करता होगा। अब 6 में हम किससे गुना करा दें कि 100 पुर जाए, तो देखिए 15 16 90 इस 100 के लाग पास हो रहा है, तो 15 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम परसेंटेज में अप्रोक्सीमेशन का खेला है, क्योंकि हम एग्जैक्ट मान तो रखे नहीं हैं कुछ जो कि एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए। चलिए इसको हम करते हैं कि कर देते हैं एक बार कि ए जो है ए कितना टाइम ले रहा है, ये ले रहा है 1/10, 1/10 काम करता है एक दिन में, तो 10 काम करेगा मतलब 10 दिन में एक काम करेगा, ठीक है ना। तो ये 10 दिन, समझ में आया कैसे। आपको बोले थे कि इसको उल्टाएंगे तो दिन निकल जाएगा, ठीक है। 1/10 एक दिन में 1/10 काम करता है, तो ये काम करेगा 10 दिन में, इसको पलटा देंगे। पहले क्लास में हम आपको बताए थे कि अगर 10 दिन में कोई काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/10, इसको पलटाएंगे तो दिन निकलेगा, इसको पलटाएंगे तो एक दिन में कितना काम होगा वो निकलेगा, ठीक है। तो बड़ा 1/10 काम करता है, तो एक दिन 10 दिन में काम करता होगा। और जो दीपक है, दीपक 6 दिन में काम करता है, ठीक है। परसेंटेज अगर इसको करते हैं तो 10% हो गया, ये लगभग 16.00, ठीक ना, 6 6 है, खत्म, हाँ 16.00 है, ठीक। लगभग इसको 16 मान लीजिए, नहीं, ये दीपक के साथ मिलकर के सोहन है, सोहन और दीपक दोनों मिलकर के 6 दिन में करता है, तो दोनों एक दिन में लगभग जो है ना लगभग 16% काम करता है, ठीक है। तो दीपक अकेला कितना प्रतिशत काम करता होगा, लगभग 6%, ठीक है। 6% से ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा काम करता है, ठीक है ना। तो लगभग 6%, अब एक दिन में 6% काम करता है तो 100% काम करने में कितना दिन लगेगा, तो अब इसमें हम कितना से गुना करा दें कि 100 पुर जाए। तो ऑप्शन से देख रहे हैं, 10 से कराएंगे 60 पुरेगा, 15 से कराएंगे तो 90 के करीब जा रहा है, 12 से कराएंगे 72 के करीब नहीं है, 30 से कराएंगे तो 180 ऊपर जाएगा, तो इतना ज़्यादा ये हो गया, ये नहीं हो सकता है, तो 15 इसका आंसर है, ठीक है। तो परसेंटेज मेथड में हम अप्रोक्सीमेशन कॉन्सेप्ट लगा करके बहुत ईजिली कर सकते हैं।
नहीं तो आपको एलसीएम मेथड हम बतेवे किए हैं। एलसीएम मेथड में क्या करना होता है, जो दिन समय मतलब समय दिया रहता है उसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। 10 और 6 का एलसीएम निकल गया 30, ठीक है। और जब हम काम में टोटल काम में समय से भाग देते हैं तो क्षमता निकलता है। 10 से 30 में भाग देंगे तो जो सोहन है उसका क्षमता निकल गया। कितना क्षमता है, 3, 10 से 30 में भाग देंगे 3, और 6 से इसमें भाग देंगे 30 में तो 5 आएगा। अब बोलता है कि दीपक अकेला उस काम को करने में कितना दिन लगाएगा, तो दीपक का क्षमता कितना होगा वो जान जाएंगे। तो टोटल काम में हम क्षमता से भाग दे करके दीपक कितना समय लेता है वो जान जाएंगे। तो दीपक का क्षमता निकालना पहले ज़रूरी है। तो देख रहे हैं कि सोहन और दीपक का दोनों मिला करके क्षमता 5 है, मतलब दोनों मिल करके 5 काम करता है एक दिन में, जिसमें कि सोहन अकेले एक दिन में 3 काम कर सकता है। तो दीपक कितना काम करता होगा, 2 काम करता होगा एक दिन में, क्योंकि दोनों मिलकर के 5 करता है, सोहन अकेले 3 काम करता है तो ये 2 काम करता होगा। अब इसका 2 क्षमता निकल गया। अब बोलता है कितना समय लेगा, तो टोटल काम जो है 30 है और दीपक का क्षमता से भाग देंगे तो कितना समय लेगा ये निकल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एलसीएम मेथड से कर सकते हैं।